हेलो बच्चों बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ऊष्मा होती क्या है, इसको किस तरह नापा जाता है, किस तरह इसके बारे में जो भी है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? ठीक है, तो देखो ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है। देखो ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी। ठीक है, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है। ऊष्मा मतलब गर्म होना। जब हमें कोई चीज गर्म है उसका एहसास होना ही क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है। अब जैसे है हमारे पास एक चाय का कप है, उसको जब हम हाथ लगाते हैं तो हमें कैसा लगता है? गर्म लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऊष्मा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है। वह वस्तु के पदार्थ के अणुओं की गतिज्ञ ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है, उसके अंदर ऊर्जा के कारण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई भी चीज है, ठंडा गर्म है, हमें जिस चीज का ऐसा होता है कि हाँ भाई ये ठंडा है, ये गर्म है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। उसी गर्माहट को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। अब ये देखो ऊष्मा किससे नापा जाता है? ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तापमापी कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं ताप। अब देखो ताप क्या होता है? किसी वस्तु की गर्माहट को उस वस्तु का ताप कहते हैं। किसी भी वस्तु की जो गर्माहट है उसको उसका क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। कि इसका ताप कितना है, इसका ताप बहुत कम है, इसका ज्यादा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अब जो ये ताप है इसको हम कैसे बता सकते हैं कि कितना ताप है, ज्यादा है, कम है या बीच का है, जैसे भी है। अब देखो उस ताप का हमने क्या निकाला है? तापमापी, जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। वस्तु के ताप को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। जो भी यंत्र यूज किया जाता है, जो भी यंत्र हम प्रयोग में लेते हैं किसको नापने के लिए? ताप को नापने के लिए, वही क्या होता है? तापमापी होता है और थर्मोमीटर होता है। ठीक है, तो अभी देखो जो तापमापर है, आप लोगों ने थर्मोमीटर देखा होगा किस तरह से होता है, किस तरह से रहता है और उसके ऊपर इस तरह से स्केल बने हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से स्केल बने हुए होते हैं, यहाँ पर इस तरह से डंडियां बनी हुई होती है जो हमें ये बताते हैं कि भाई इसके अंदर जितने इतने एक नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ इधर 10, यहाँ 20, यहाँ 30, इस तरह से हमें वो क्या बता रहा है? ताप मापी बता रहा है। ठीक है, तो वो से हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। अभी देखो तापमापन, तापमापन किसे कहते हैं? तापमापन दो तरह से होता है, एक तो है सेल्सियस पैमाना और दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना। सेल्सियस पैमाना किस तरह से लिखा जाता है? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ़ारेनहाइट पैमाना कैसे लिखा जाता है? डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब ये देखो आपका जो बर्फ का जमने का जो पैमाना है वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, और जो जल के उबलने का, ठीक है, वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसी के अंदर हम आगे भी पढ़ेंगे कि तापमापन के अंदर क्या होता है। अब जो हमारा जो शरीर का तापमान है उसको किस नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो उस चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? ऊष्मा क्या होती है? वह क्या होती है जिसमें हमें वस्तु की गर्माहट का एहसास हो। ताप क्या होता है? किसी वस्तु की गर्माहट को ही ताप कहते हैं। ठीक है, अब तापमापी क्या होता है? वस्तु के ताप को नापने के लिए जो हम यंत्र यूज करते हैं उसे हम तापमापी कहते हैं। और हम किस किस तापमापी का जो थर्मोमीटर है उसको किस किस तापमापन में करते हैं? सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक है, तो हम इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।